अस्सलामुअलैकुम। ये रेसिपी है मंदी मसाला पाउडर, जिसके लिए ले लेते हैं कोरिएंडर सीड्स 4 टीस्पून, उसके बाद में ब्लैक पेपर 4 टीस्पून, फिर लेंगे क्यूमिन सीड्स 4 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड क्यूमिन सीड्स की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो सौंफ लेंगे उसकी क्वांटिटी इससे थोड़ी आधी होनी चाहिए, बिकॉज सौंफ हम बहुत कम यूज़ करते हैं, उसकी बहुत स्मेल आती है अदरवाइज मसाले में। सो यू कैन सी मैंने 2 टीस्पून ऑफ सौंफ ली। उसके बाद में अदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। उसके बाद ले लेते हैं स्टार फूल या एनिसिड जिसको हम बोलते हैं, वो ले 8 से 10 पीसेस, जिसके छोटा टूट के पीसेस हो गए वो काउंट करके मैंने 10 पीसेस बोले। सो उसके 10 पीसेस ले लेते हैं। उसके बाद ब्लैक कार्डमम, ब्लैक इलायची ले लेते हैं 8 से 9 पीसेस। ओके, 8 से 9 पीसेस ब्लैक इलायची के लेंगे, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा स्मेल होता है। सो कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर हमें सेम क्वांटिटी में लेना है, सौंफ हाफ क्वांटिटी में लेना है, 8 से 10 स्टारफुल, 8 से 10 ब्लैक इलायची, और ये जो मसाला है वो 5 kg तक आ सकता है, जितना मैं क्वांटिटी में ले रही हूँ। आप 5 kg अगर चिकन बना रहे हो तो सिनेमन स्टिक्स, आप देख सकते हैं कितने साइज के मैंने ली थी, ये भी 6 पीसेस 7 पीसेस लेंगे। और अगर आपके पास छोटे छोटे पीसेस है तो ज़्यादा ले, हिसाब से ले, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो स्पाइस है जावित्री या फिर उसको मेस बोलते हैं, उसके 4 पीसेस मैंने ली। ये मेरे लास्ट टाइम मैंने जो मंदी मसाला अपलोड की थी उसमें वो अवेलेबल नहीं था, मैंने बाद में मंगा के ली। सो मैंने वापस से उसको बनाने का सोची कि विथ ऑल द स्पाइसेस। सो 2 जायफल या नटमेग और ग्रीन कार्डमम हमें लेना है 18 to 20 पीसेस ग्रीन कार्डमम के लेने हैं मसाले के हिसाब से। अभी ये जो नटमेग और ये जो सिनेमन स्टिक्स है वो डायरेक्टली ब्लेंड तो होंगे नहीं, सो उसको क्रश करके ले पहले। इसको क्रश करने के बाद वो इजीली ब्लेंड हो जाएंगे मिक्सी में, सो आप कैसे भी क्रश करके ले सकते हैं। सो ये है क्लोव्स। क्लोव्स मैंने काउंट नहीं की थी, टीस्पून के हिसाब से ली थी। यू कैन सी 2 टीस्पून ऑफ क्लोव्स, अगर काउंट करेंगे तो 40 to 50 पीसेस उसके हो जाएंगे ईजिली। सो ऐसे स्पून से लेना एंड बताना वॉज ईजी, सो मैंने स्पून से ली। सो ये सब रेडी है। ये सिनेमन स्टिक और नटमेग को हम क्रश करके फिर उसको ब्लेंड कर लेते हैं, मैं बताती हूँ क्रश करने के बाद। सो मैंने इसको क्रश करके ली थी, यू कैन सी वो क्रश हो गया है, बाहर की शेल उसकी निकाल ली इसके हेल्प से, और थंब भी क्रश करके ली, सो बी केयरफुल। सो इसको क्रश करके लेते हैं, सॉरी ब्लेंड करके लेते हैं, उसके बाद में मैं बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर ब्लेंड हो चुका है, उसको फाइन पाउडर में ब्लेंड करके लेना है। तो ये है मंदी मसाला पाउडर जिसको हम यूज़ करेंगे चिकन मंदी में, मटन मंदी में, प्रॉन मंदी में, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ओनली चिकन फ्राई को भी अगर ये मसाला यूज़ करते हैं ना, ऑसम टेस्ट देता है। सो ट्राई ज़रूर करें, बताएं कैसा लगा, और इसको कोई भी जार में डाल के स्टोर करें ताकि ये बहुत टाइम तक आपके पास रह सकता है, क्योंकि 1 kg चिकन इफ़ यूज़ किए तो उसके लिए 2 टीस्पून बहुत हो जाते हैं फॉर मैरिनेशन, और 1 टीस्पून फॉर राइस इनफ हो जाता है। तो ये मसाला बहुत टाइम तक चल सकता है, या आप 5 kg में बना रहे हैं तो 5 kg तक ये चल सकता है, फिर वो वेदर वो मटन हो या चिकन हो। सो हम इसको स्टोर कर लेते हैं, ट्राई ज़रूर करें, बताएं कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्यूटी इन इम्परफेक्शन।